नमस्कार, मैं हूं ज्योति अरोड़ा, आपकी टैरो कार्ड रीडर और फेंगशुई मास्टर, और मैं हाजिर हूं इस खास प्रोग्राम में जिसमें मैं बताने जा रही हूं आपका टैरो फोरकास्ट फरवरी के महीने में। और इस फोरकास्ट का आधार होगा आपका सन साइन, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से देखिए कि आपका सन साइन क्या है और आप अपना फोरकास्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ एरीज यानी कि मेष राशि के लिए। तो देखते हैं आपकी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप लक कैसी रहेगी फरवरी के महीने में। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आते हैं वो ये हैं। देखिए, आप लोगों के लिए जो कार्ड्स इन टोटैलिटी निकल कर आए हैं वो ये बताते हैं कि इस पूरे महीने आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप अपनी हेल्थ के साथ कहीं ना कहीं कुछ समझौता कर रहे हैं। आपको मे बी चेंजिंग वेदर की वजह से आप थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं कि आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो है और आपको अपने लिए थोड़े से पौष्टिक आहार लेने की आवश्यकता पड़ेगी, या हो सकता है कि थोड़ा सा आप मेंटली छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपसेट हो सकते हैं। ये दोनों चीज़ें फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ एक इशू बन सकती है एरीज राशि वालों के लिए। नाउ रिलेशनशिप की बात करें तो आप कुछ सोच विचार में हो सकते हैं कि आप इस रिलेशनशिप, आप अगर आपको किसी ने कुछ प्रपोज किया है तो आप एक सोच में पड़ सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए ना बढ़ा जाए, या हो सकता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल हो कि ये रिलेशनशिप नहीं तो ये रिलेशनशिप। तो इस तरह का एक आपका एक ऐसा माहौल क्रिएट हो सकता है कि आप डिसीजन ना ले पाएं। इनडिसाइसिवनेस का एक सिचुएशन मुझे नज़र आता है आप लोगों के लिए। अब तीसरी बात करते हैं आपकी ओवरऑल जो एनर्जीज हैं वो बहुत इम्पल्सिव हैं। आप अपने वर्क प्लेस पर भी कुछ इस तरह से बिहेव करने वाले हैं, कुछ इम्पल्सिव होकर आपका बिहेवियर आपके कलीग्स को शायद पसंद ना आए, जिसकी वजह से आपको वर्क प्लेस पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है मुझे कुछ वर्क पर भी आती हुई दिख रही है। ये जो महीना है थोड़ा लो प्रोफाइल रहने का है आप लोगों के लिए। देखिए, क्योंकि एनर्जीज चेंज हो रही है और ये चेंजिंग एनर्जीज आपको भी प्रभावित कर रही है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी इस पूरे महीने जितना हो सके रेड आउटफिट्स पहनिए और अपने पास थोड़ा सा पानी रखिए ताकि आपको वेल्थ की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इस महीने थोड़ा सा वेल्थ को लेकर थोड़े से इश्यूज मुझे नजर आ रहे हैं एरीज राशि वालों के लिए। चलिए अब दूसरी राशि का रुख करते हैं। अब बात करते हैं टॉरियंस की। तो टॉरियंस की हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप लक की बात कर ली जाए तो टॉरियंस के लिए जो कार्ड्स निकल कर आते हैं, देखिए टॉरियंस का सबसे पहला जो कार्ड निकल कर आता है, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी आपकी जो फाइनेंसेस और करियर और इन सब चीज़ों को लेकर, तो ये तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपका सिक्स ऑफ वांट्स का कार्ड सक्सेस दिलाता है। अगर आप किसी भी जगह पर आप किसी चीज़ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी टेंडरिंग में आपने पार्टिसिपेट किया या कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें आपने भी पार्टिसिपेट किया है, आपने भी अपनी तरफ से कोटेशन दिया है, तो आपको वो ऑर्डर मिल सकता है। किसी इंटरव्यू में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो वो इंटरव्यू भी आप क्लियर कर लेंगे। किसी दूरस्थ स्थान से आपको समाचार प्राप्त हो सकता है जो कि आपके फेवर में जाए, इस तरह की संभावनाएं बनती हैं। तो काम की बात करें तो आपके लिए होगा फायदा। अब बात करते हैं लव रिलेशनशिप की। टॉरेंस के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है। आपका कार्ड निकल कर आया है टू ऑफ हार्ट्स का, जो दिल से दिल को जोड़ता है। लव रिलेशनशिप एट द टॉप रहने वाली है और जो पति पत्नी के बीच में भी प्यार बना रहेगा और किसी भी तरह की अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स कपल्स के बीच में है तो वो भी दूर हो जाएंगी। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है हेल्थ को लेकर, क्योंकि हेल्थ का कार्ड बहुत अच्छा नहीं आया है। हेल्थ हो सकती है आपके लिए चिंता का कारण। देखिए, ये कार्ड ये भी इंडिकेशन करता है कि लेट जगना रात को आपके लिए आपका स्वास्थ्य खराब कर सकता है। तो रात को टाइम पर सोना, मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बनाए रखना रात के समय, जो जनरली लोग आजकल करते हैं, तो ये आपको करके चलना है, अदरवाइज आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको माइग्रेन या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली है। देखिए, आपका मैं एक बात और बता दूँ, जितने भी साइंस हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इस पूरे साल होगी तो वो मानसिक रूप से परेशानी ज़्यादा होगी, एंग्जाइटी हो गई, टेंशन होगी। तो ये कार्ड भी कुछ उसी तरह की इंडिकेशन देता है आप लोगों के लिए। तो चलिए अब तीसरी राशि की बात करते हैं, जेमिनी। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लिए मैं ये कार्ड्स निकाल रही हूँ, चलिए यहीं से निकालते हैं कार्ड्स।
तो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए कार्ड्स देखिए, पहला कार्ड निकल कर आया है नाइन ऑफ हार्ट्स का। नाइन ऑफ हार्ट्स का कार्ड आपके लिए ये इंडिकेशन देता है कि आपकी एक मनोकामना पूरी होगी, कोई एक विश, लॉन्ग चेरिश विश जो आप बहुत समय से मांग रहे थे, तो ऐसी कोई विश पूरी होती हुई नज़र आती है। और ये विश जो है पूरी होने से आपको काफ़ी प्रसन्नता मिलेगी। और ये कार्ड एक चीज़ और इंडिकेशन दे सकता है, कोई अच्छा उपहार भी मिल सकता है आपको, कोई अचानक आपको कोई गिफ्ट आकर दे और बोले ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है, तो आपके लिए कोई एक अच्छा एक मतलब जैसे होता है अच्छा एक मोमेंट क्रिएट हो सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए निकल कर आता है। हाँ, जहाँ तक वर्क की बात करें तो वर्क की अगर मैं बात करूँ तो टेन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। टेन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा आपको मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब काम को डेलीगेट ना कर पाना, क्योंकि आपको लगता है कि दूसरा पर्सन उस वर्क को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगा। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको थोड़ा सा अपने जो है ना फिज़िकली भी अपने आप को फिट रखने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको नेक, शोल्डर और अपनी बैक, ये तीन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से अपने हैंडल करना है, अपनी अपने स्टिचिंग पोस्चर को एकदम अच्छे से रखिए ताकि आपकी ये जो तीनों पार्ट हैं ये बिल्कुल दुरुस्त रहे, क्योंकि ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपको इन तीनों पार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। और अब बात करते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड निकल कर आया है आपके लिए, द हर्मिट का। तो अगर मैं जनरली बात करूँ तो ये कार्ड आपके लिए एक सोच विचार में आपको डालता है, आपको एक ऐसी स्थिति में डालता है जहाँ आप अपनी अंतर आत्मा से खुद ही वार्तालाप कर रहे हैं, कोई एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जैसे बोलते हैं ना, कि आप खुद अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं और खुद ही अपने आप से वो आंसर चाहते हैं। देखिए मैं ये कार्ड आपको दिखाती हूँ, इस कार्ड में आप तो देखेंगे तो ये व्यक्ति जो है अपने हाथ में लैंटर्न लेकर अपने रास्ता वो खुद खोज रहा है, उसको किसी से हेल्प नहीं चाहिए यहाँ पर, किसी की एडवाइस नहीं चाहिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके पास खुद अंदर इतनी शक्ति है कि वो उस इनर पावर को यूज़ करके अपने लिए खुद एक दिशा तय कर सकता है, खुद बस उसको अपनी इनर लाइट चाहिए बस, वो तो इनर लाइट को यूज़ करके यू विल एक्सप्लोर योर ओन वेज, कुछ इस तरह का आपके लिए आपका ये महीना निकल कर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना आपके लिए एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस होने वाला है, अच्छा भी होगा और काफ़ी ज़्यादा जैसे चेतना देने वाला भी होगा आप लोगों के लिए। तो ये था जेमिनी राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं हम कर्क राशि की, तो कर्क यानी कि कैंसर के लिए, तो कैंसर के लिए मैंने ये तीन कार्ड्स निकाले। कर्क राशि वालों के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, देखिए कर्क राशि वालों का पहला कार्ड निकल कर आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का। आपके जो काम में जो भी अड़चने अभी तक आई है वो अड़चने अब दूर हो जाएंगी। ये कार्ड बताता है कि बहुत ही अच्छे लोगों का आपको साथ मिलता है, मिल सकता है। ये कार्ड ये भी इंडिकेशन देता है कि कुछ अच्छे कोलैबोरेशंस हो सकते हैं, वो कोलैबोरेशंस आपके लिए फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि कुछ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं आप लोग। ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है आपके बिजनेस के लिए, आपको फंड्स भी, फंड्स का फ्लो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, जहाँ तक रिलेशनशिप का सवाल है तो आपके लिए हायरोफेंट का कार्ड बताता है कि आपका जो रिश्ता है वो शादी की तरफ मुड़ सकता है, और ये शादी एक अरेंज्ड मैरिज जो कि ऑर्थोडॉक्स मेथड से, और मतलब जैसे परिवार का सबका साथ मिलेगा और गुरुओं के आशीर्वाद से होता हुआ एक इस तरह की सेरेमनी होती हुई नज़र आ रही है मुझे, मतलब ऐसा लगता है कि एक रिलीजियस माहौल में शादी होती हुई नज़र आ रही है। और एक कार्ड ऑफ नाइन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आपकी हेल्थ को लेकर अगर मैं बोलूँ तो ये है कि बहुत उतावलापन, एंग्जाइटी और ये सब चीज़ें आपको बार बार घेर सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपको धैर्य से काम लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस और धीरज से चलने के लिए सलाह देता है, क्योंकि इम्पेशेंस आपके लिए ट्रबल बन सकती है। तो ये आप लोगों के लिए थे इस महीने के फोकस। तो चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं, तो अब लियो की बात कर ली जाए, तो लियो के लिए चलिए मैं ये तीन कार्ड्स निकालती हूँ। आपका फरवरी का महीना कैसा जाएगा, हेल्थ वेल्थ एंड रिलेशनशिप लक। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की, आपके करियर की। तो चेंज इज़ इन द एयर, जो भी चेंज हो रहा है ये आप इस चेंज को स्वीकार करें,
या ना करें, पर ये बहुत अच्छा चेंज हो रहा है। ये चेंज आपकी बेहतरी के लिए है। आप बहुत ही, देखिए एक बात है कि जो भी आपकी लाइफ में ये चेंज हो रहा है ना, आपके करियर में जो भी चेंज हो रहा है, हो सकता है कि आपको रीलोकेट किया जा रहा हो, आप नेक्स्ट जगह मूव कर रहे हो, या आपको कोई इंटरव्यू का कॉल आ रहा हो, या कुछ ऐसा जैसे नॉन कमिटेड टाइप का भी आपका कोई एक असाइनमेंट आपको मिल रहा हो, आप चुपचाप असाइनमेंट में आप इन्वॉल्व रहिए, क्योंकि वो जो भी चेंज है ना वो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी फ़ायदा देगा, क्योंकि आपके वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। हाँ, आप लव रिलेशनशिप की बात करें तो ये कार्ड निकल कर आता है आपका प्रिंस ऑफ हार्ट्स का, जो बताता है कि आप इस समय किसी के प्यार में पड़ सकते हैं। ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपका किसी की तरफ एक रोमानी रुझान हो सकता है और आपको रिस्पॉन्स भी मिल सकता है। अब आते हैं आपकी हेल्थ पर, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा चिंता नज़र आती है। ये हेल्थ के लिए इंडिकेशन है कि हेल्थ थोड़ी सी आपकी नरम हो सकती है, आपको ध्यान देना होगा अपनी हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात और है, ये कार्ड क्योंकि निकल कर आया है तो मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपको एक बात और देखनी है कि ऐसा ना हो कि आपके आसपास कुछ पॉलिटिक्स हो रहा हो जिसके बारे में आपको पता भी ना हो, तो उस पॉलिटिक्स से आपको थोड़ा बचकर रहना होगा। क्योंकि ये पॉलिटिक्स, मैं ये नहीं कह रही कि आपको पॉलिटिक्स करना आना चाहिए, लेकिन इतना तो आना चाहिए कि आपको उससे बचा सके। तो ये कार्ड्स आपके लिए निकल कर आते हैं। तो ये था लियो राशि वालों के लिए ये इस फरवरी के महीने का फोकस्ट। तो अगली राशि का रुख करते हैं, तो अब बात करते हैं वर्गों की। वर्गों के लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं वेरी डिफरेंट। पहला कार्ड निकल कर आया है एस ऑफ हार्ट्स का, ये कहता है एक न्यू रिलेशनशिप न्यू लेवल पर पहुंचते हुए, यानी कि जो आपका रिसेंट रिलेशनशिप किसी के साथ शुरू हुआ हो वो बहुत ही अच्छे स्तर पर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ये रिश्ता काफ़ी लंबा भी चल सकता है। ये कार्ड ये भी इंडिकेशन दे सकता है कि आपकी जो, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो रिलेशनशिप है और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। देखिए एक बात और है कि इस साल की जो एनर्जीज हैं वो रिलेशनशिप के लिए, मैरिड कपल के लिए वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन इंटरफेरेंस, एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कुछ भी कीजिए लेकिन अपनी लाइफ पे किसी भी तरह की एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस को बिल्कुल भी प्रमोट मत कीजिएगा। अच्छा, अब बात करें आपके काम की, तो फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि फंड्स आते रहेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट्स को पकड़े रहेंगे, नौकरी में ऊंच नीच हो सकती है, पकड़े रखिएगा, नौकरी छोड़िएगा मत, जब तक दूसरी नौकरी ना हो तब तक पहली नौकरी को छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर सकता है कि आप एकदम अपसेट हो जाए कि नहीं मुझे नहीं करना यहाँ पर काम, मैं जॉब रिज़ाइन कर दूँ तो अच्छा रहेगा, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपको पकड़ के रखना है। आपकी जनरल टेंडेंसीज पूरे महीने ऐसी हो सकती है कि आप पुरानी बातों को पकड़ के रखें, बैगेजेस कैरी करें, तो बैगेजेस कैरी नहीं करने हैं आपको, आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना है और जो हो गया ना अतीत में उसको वहीं छोड़िए और आज से शुरुआत कीजिए और यूं आगे बढ़ते जाइए। देखिए जब आप ऐसे आगे बढ़ते हैं ना तो लाइफ जनरली एक नई शुरुआत के साथ, एक फ्रेश एनर्जी के साथ शुरू होती है और आप हमेशा देखेंगे कि उसका पूरा आउटकम ही डिफरेंट होता है। अब मैं हेल्थ की बात करती हूँ, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकल कर आया है टू ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये कार्ड थोड़ा सा चिंता देने वाला है उन लोगों के लिए, खास करके जो पहले से ही थोड़े अस्वस्थ हैं, क्योंकि ये कार्ड ये बताते हैं अगर आप पहले से ही अस्वस्थ हैं तो एक माइनर सर्जरी की इंडिकेशन है, या फिर कोई मेडिकल इंसर्शन या कोई ऐसी कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता है जिसमें कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेडिकली किसी तरह से इन्वॉल्व होना हो, मतलब मुझे लगता है हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉन्शियस होने की आपको ज़रूरत है। एक बात और है कि कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप लोग लेने के बारे में सोच रहे थे तो वो शायद डिसीजन आप इस महीने ना ले पाएं, ऐसी इंडिकेशन देते हैं ये कार्ड्स। सो जस्ट होल्ड ऑन आप लोगों के लिए इस महीने के लिए ये एडवाइस। अब बात करते हैं अगली राशि की, तो अगली राशि है लिब्रा, तो लिब्रा के लिए मैं निकालती हूँ ये कार्ड्स। लिब्रा की जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, देखिए पहला कार्ड तो निकल कर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, वो ये कहता है कि आप अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आपका एक अच्छा प्रभाव क्रिएट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, लोग आपको आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, आपके अच्छे स्वभाव की वजह से, आपकी विनम्रता की वजह से
बहुत सराहेंगे। और एक जैसे होता है ना कि एक सोसाइटी में आपका एक सम्मान क्रिएट हो जाता है, लोगों का नज़रिया आपके लिए एक ऐसा हो जाता है कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय व्यक्ति है, इसका हमेशा सम्मान करो, इस तरह का आपका एक दर्जा आपको मिलना शुरू हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये दर्जा ना सिर्फ आपको लोग वैसे भी देंगे, जब लोग वैसे देते हैं तो काम में भी आपको उससे फ़ायदा होता है। अच्छा, दूसरा कार्ड निकल कर आया है आपका किंग ऑफ सोर्ड का, ये रिलेशनशिप है, यानी कि आपको हो सकता है किसी एक ऐसे व्यक्ति से बार बार इंटरेक्ट करना पड़े जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही रूखा टाइप का व्यक्ति हो, जिसके जो इमोशंस को वैल्यू बहुत कम देता हो, ऐसे व्यक्ति से भी आपको मिलना जुलना काफ़ी हो सकता है, कि जो आपकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल विपरीत हो। ऐसे व्यक्ति थोड़े से स्वार्थी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आपको डील करना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति से, ये मतलब कुछ ऐसी इंडिकेशन है। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति से डील करें तो आप उस पर भी प्रभाव छोड़ पाएंगे, ये फॉर श्योर है। अब अगर आपके स्वास्थ्य की बात करूँ तो स्वास्थ्य में निकल कर आता है सेवन ऑफ सोर्ड्स का, जो कहता है कि आप अपनी सेहत को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए अपनी सेहत को लेकर, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी सेहत पर थोड़ा सा तवज्जो थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोगों के लिए मैं सीधा ये कहूँगी कि अलग अलग पर्सनैलिटीज़ आपकी ज़िंदगी में अगर आ रही हैं तो उन पर्सनैलिटीज़ से डील तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन अपने अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। हाँ, लव रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो आप किसी को भी प्रभावित कर पाएंगे, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों। तो आप लोगों के लिए ये निकल कर आता है लिब्रंस, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही जनरली ऐसी होती है, लिब्रंस ही बैलेंस्ड होते हैं। अब अगली राशि की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो के लिए कैसे रहेगा फेब्रुअरी का मंथ, देखिए स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए जहां तक बात है प्रोफेशनल लाइफ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ अपसेटिंग चीज़ें हो सकती हैं जो उनके करियर में उनको उलझा सकती हैं। मुझे लगता है कि किसी से भी अपसेटिंग कम्युनिकेशन ना हो, आप बिल्कुल विनम्र होकर लोगों से बात कीजिए, किसी भी तरह से ऊंच नीच हो जाए अगर आपकी कम्युनिकेशन में तो आप तुरंत सॉरी बोल दीजिए, क्योंकि आप हो सकता है कि किसी इम्पॉर्टेंट व्यक्ति से डील कर रहे हो। अच्छा, ये बात आपकी ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्ड निकल कर आया है, ये कार्ड ये भी बता सकता है कि हो सकता है कि आपका कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन हो इस पूरे मंथ में, जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो, और वो डॉक्यूमेंट साइन जो भी हो रहा है वो उससे आप बहुत ज़्यादा खुश रहो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ आपके जीवन में घटित हो सकती है जो आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकती है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही धैर्य से काम लेने की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा सा मेडिटेट करके अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज कीजिए और पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठिए, जो आपको सिर्फ शांत रहकर चीज़ों को डील करना सिखाएं, क्योंकि इस महीने आपको किसी भी तरह का उतावलापन नहीं चाहिए। अगर आपने कुछ भी ऐसा किया तो आपके लिए उल्टा पड़ सकता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ से डील कर गए तो ये चीज़ें एकदम रिवर्स हो जाएंगी आप लोगों के लिए। दोस्तों के साथ मिलना मिलाना आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। थ्री ऑफ हार्ट्स का कार्ड कहता है कि दोस्तों के साथ आपका सेलिब्रेशन और मिलना जुलना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी कहता है कि कोई चीज़ें जो आप सोच रहे थे कि नहीं हो रही हैं, नहीं हो रही है, बहुत स्पीड से बनती हुई नज़र आ रही हैं। रिलेशनशिप्स में भी मुझे लगता है कि एक पैशनेट रिलेशनशिप इज़ ऑन द कार्ड्स, तो काफ़ी सारे स्कॉर्पियंस खुश हो जाएंगे कि एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है उनके लिए इस पूरे महीने में। अपनी खुद इनर एनर्जीज पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई चेकअप या कुछ भी ऐसा कराना हो तो आप टाइमली कराइए, कि कुछ ना कुछ है जो डेफिशिएंसी या कुछ है आपको परेशान कर सकता है। अब हम अगली राशि का रुख करते हैं, तो अब हम सेजिटेरियंस की बात करते हैं। सेजिटेरियंस के लिए निकल कर आते हैं ये तीन कार्ड्स। सेजिटेरियंस का जो पहला कार्ड निकल कर आता है, देखिए सेजिटेरियंस थोड़े से इस महीने ऐसे रहने वाले हैं कि जो चीज़ हो गई अतीत में उसे मूव ऑन कर जाना चाहिए। आपका ये कार्ड निकल कर आया सबसे पहला एट ऑफ हार्ट्स का, आप पुरानी चीज़ों को लेकर पकड़ के नहीं बैठने वाले। हाँ, अपसेट होंगे कि पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, व्हाटएवर, आपको लग सकता है कि मैंने लोगों के लिए बहुत किया, मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था रिलेशनशिप में या दोस्ती में या फैमिली में, लेकिन मेरे साथ लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन आप इस चीज़ से ज़्यादा अपने आप को अब बहुत
ज़्यादा समय तक उस पर रोक के नहीं रखेंगे, आप मूव ऑन कर जाएंगे। शायद ये अच्छा भी होगा आपकी सेहत के लिए भी, और वैसे भी सिचुएशनली आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक करियर की बात है तो करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि मुझे लगता है आप पैसा कमाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कार्ड इंडिकेशन देता है कोवर्कर्स की सहायता से आप अपने किसी भी चीज़ में हाथ डालेंगे तो आप उसमें सक्सेसफुल होंगे, और आपको अपने टैलेंट की वजह से भी सराहना मिलेगी। लव रिलेशनशिप की इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ तो लव रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा रहने वाला है। लवर्स कार्ड निकल कर आया है, ये कार्ड तो बताता ही है कि लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसे स्पॉट पर पहुँच जाए जहाँ आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़े और वो डिसीजन आप ना ले पाएँ। हेल्थ की जहाँ तक मैं बात करूँ तो हेल्थ तो इमोशनल हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है, क्योंकि पहला कार्ड इमोशनली आपको थोड़ा सा एक डाउन साइड पे लेके जाता है, लेकिन आप उसमें मूव ऑन करना चाहते हैं तो आपकी एंग्जाइटी इमोशनल हेल्थ की तरफ इंडिकेशन देती है मुझे। अदरवाइज़ आपकी चीज़ें पॉजिटिव साइड पर मूव करती हुई मुझे नज़र आती हैं। तो ये हुआ सेजिटेरियंस का। अब हम कैप्रिकॉर्न्स की बात करते हैं, तो कैप्रिकॉर्न राशि के लिए निकल कर आते हैं ये 3 कार्ड। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। देखिए, मकर राशि की महिलाओं के लिए खास करके एक बात करूँ, देखिए आप लोगों की इस पूरे महीने एक तो ये है कि आपकी जो हार्मोनल इश्यूज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, और दूसरा आपका जो इंट्यूटिव पावर्स है बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। जो जितने भी कैप्रिकॉर्न्स हैं, जितने भी मेल हैं फीमेल हैं, आपकी इंट्यूटिव पावर्स, आपकी चीज़ों को पूर्वाभास हो जाना चीज़ों का आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाला है। बिकॉज ये आपको ये कार्ड निकल कर आया हाई प्रिस्टेस का, ये ऐसी एनर्जी देना है। लेकिन साथ ही साथ इसका एक नेगेटिव प्रभाव भी है कि लॉन्ग कैप्ट सीक्रेट जो अब तक आपने रखा था वो रिवील हो सकता है लोगों के सामने। एक कार्ड निकल कर आता है 6 ऑफ हार्ट्स का। ये लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो कोई अतीत से लौट कर आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच सकते हो, आप नॉस्टैल्जिक हो सकते हो कि बार बार आप अतीत की यादों में चले जाए। तो ये महीना थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया तो देता है आपको। तो जब आप बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज के बारे में सोचोगे तो हो सकता है पास्ट से किसी को अट्रैक्ट कर लो और कोई पास्ट से आपकी ज़िंदगी में लौट कर दोबारा आ जाए। और अगर मैं वर्क की बात करूँ तो 2 ऑफ वांड्स का कार्ड इंडिकेट करता है कि जिस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की आप वेट कर रहे थे वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। किसी ऑर्डर का वेट कर रहे थे तो भी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी है टाइम थोड़ा सा। जो चीज़ आप अचीव करना चाहते थे वो अभी अचीव नहीं होगी, इनमें थोड़ा सा समय लगने वाला है आप लोगों को। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों को इस पूरे मंथ में आपको चैनलाइज ये ध्यान रखना है कि बहुत सारी बातें हैं आपने पास्ट में लोगों से की हैं, वो कौन सी बात रिवील हो जाए, उसको कैसे संभालना है, इसके लिए थोड़ा सा विट एंड विजडम यूज़ करना पड़ेगा। चलिए अगली राशि का रुख करते हैं, तो एक्वेरियंस की बात करें तो एक्वेरियंस के लिए ये महीना पूरा फरवरी का कैसा रहेगा। देखिए, पहला कार्ड निकल कर आया है आपका 5 ऑफ हार्ट्स का। ये कार्ड एक इमोशनल ब्रेक तो देता है किसी एक पर्सन के साथ जिसके साथ आपका अटैचमेंट बहुत रहा है, जिस पर्सन के साथ आपको लगा कि आपने रिश्ते में दोस्ती में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया। ये जो आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपको आपका जो टाइम बहुत ज़्यादा लगा इस रिश्ते पे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया आपने, अब आप उसमें आगे मूव ऑन करना चाहेंगे। ये बात आप भूल गए कि शायद दूसरे ने भी उतना इन्वेस्ट किया हो, लेकिन आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और आप मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। थोड़ा स्वार्थी भी हो जाता है इंसान कभी कभी जब किसी रिश्ते में अपने बारे में सोचता है, ये नहीं सोचता कि जब कभी आप दो जने चाहे दो दोस्त ही आपस में रिश्ते में होते हो तो दोनों लोग इक्वली टाइम स्पेंड करते हैं तभी वो दोस्ती आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर आप नाराज ज़्यादा हो गए और आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन देखिए, ये रिश्ता मैं परमानेंटली टूटता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि ये टेम्परेरीली आप मूव कर गए आगे, लेकिन कभी भी आप वापस जाके इसको सैलवेज कर सकते हैं, दोबारा से ये पुनर्जीवित भी हो जाएगा। काम की बात करूँ तो कुछ नया काम शुरू हो सकता है, नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, किसी नई क्रिएटिव चीज़ में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए। तो ओवरऑल अगर वर्क की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये महीना आपके लिए एक अच्छी शुरुआत लेकर आएगा। और अगर मैं वैसे बात करती हूँ तो आपकी हेल्थ को लेकर और आपकी जनरल वेलबींग को लेकर तो ये महीना अच्छा रहेगा आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी गैदरिंग हो सकती है जहाँ काफ़ी सारे लोग सम्मिलित हों एक साथ, जहाँ पर आप भी हों और वहाँ पर आप अच्छा फील करेंगे सब लोगों के साथ। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो मैं ये कहूँगी कि आप कुछ रिलीजियस सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए।
तो ये था आपके लिए एक्वेरियंस के लिए। तो चलिए आखिरी राशि की बात कर लेते हैं। अब मीन राशि के लिए देखते हैं कैसा रहेगा ये फरवरी 2024 का महीना। तो मीन राशि वालों के लिए पहले ही दो कार्ड आ गए, ये तीसरा कार्ड आप लोगों के लिए। कार्ड्स मैं आपको कार्ड्स दिखाना जरूर चाहूंगी कि इतने सुंदर कार्ड्स निकल कर आए हैं, ये आपके कार्ड्स निकल कर आए हैं। देखिए इतने खूबसूरत कार्ड्स निकल गए। आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा जा सकता है क्योंकि ये आपकी लाइफ की बहुत डार्कनेस को एकदम ब्राइटनेस में कन्वर्ट कर सकता है। क्योंकि पहला कार्ड 10 सन निकल कर आया जो है कहता है कि डार्कनेस एकदम दूर चले गई। अगर हम नौकरी ढूंढ रहे थे नौकरी मिल सकती है, रिश्ता टूटा था तो रिश्ता नया रिश्ता जुड़ सकता है या वही रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। संतान प्राप्ति की अगर आपको इच्छा थी तो संतान प्राप्ति हो सकती है। ये कार्ड ये भी इंडिकेशन देता है कि हॉलीडे प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो हैप्पीनेस का इंडिकेशन है इस कार्ड में। और दूसरा कार्ड है द स्टार। द स्टार कार्ड कहता है कि आप कोई भी होप अगर अपने जीवन से रखते रहे हैं अब तक तो आप बिल्कुल भी होपलेस मत होइए, क्योंकि होप को जब तक आप अलाइव रखेंगे तब तक वो होप पूरी हो सकती है। यानी कि जब तक आशावादी रहेंगे तब तक वो आशा आपकी पूरी हो सकती है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक कार्ड निकल कर आया आपका। और मुझे ऐसा लगता है कि जब द स्टार कार्ड निकल आता है मैं खुद एकदम एक डिफरेंट ऊर्जा से भर जाती हूँ। और मुझे खुद ऐसा लगता है कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आप ये मान के चलिए कि जो चीज़ आप सोचते हो ना कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा नहीं, वो भी हो सकता है। तो स्टार कार्ड इतना पॉजिटिव कार्ड है और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। क्योंकि थर्ड कार्ड जो निकल कर आया है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये कहता है कि आपका ट्रबलसम पीरियड अब खत्म हो सकता है और आप इस ट्रबलसम पीरियड से बाहर आ जाओगे। जैसे बोलते हैं ना टर्बुलेंट वाटर में अगर आपकी नैया फंस गई है तो वो टर्बुलेंस खत्म हो जाएगी और एकदम पानी का एकदम वेग जो है ना हल्का हो जाएगा और आपकी नैया आराम से उसमें बहती हुई किनारे की तरफ पहुंच जाएगी और बादल भी छट जाएंगे और एकदम रेनबो शाइन करने लग जाएगा। बिल्कुल बहुत खूबसूरत कार्ड निकल कर आए हैं आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए खास करके मीन राशि वालों के लिए ये महीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपकी पॉजिटिव थॉट्स अगर हैं साथ तो आप सबके लिए ये पूरा महीना काफ़ी पॉजिटिव हो, ऑप्टिमिस्टिक हो और हर आशा को पूरा करने वाला हो। इसी आशा के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।